नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज सबसे तेज। आइए जिले भर की खबरें शुरू करते हैं। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर निकाला पैदल मार्च, काटे चालान। रविवार वीकेंड कर्फ्यू को लेकर थाना अधिकारी रानी इंगलाजदान व प्रभारी चौकी नाडोल टिकमराम, परविंदर सिंह हेड़कानी, संतराम भैरू सिंह, नाथू सिंह, गुलाब सिंह राजपुरोहित कस्बा नाडोल में पैदल गश्त करते हुए लोगों को मास्क पहनने की अपील की और रविवार को कोविड गाइडलाइन के अनुसार बंद को लेकर लोगों को मास्क समझाइश की व मास्क के चालान काटे गए। पंजाब सरकार के कांग्रेस के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वधान में मोदी के सम्मान में युवा मोर्चा खड़ा कर मैदान कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब में नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जानबूझकर की गई चूक को लेकर आज महाविद्यालय के बाहर युवा मोर्चा के जिला महामंत्री पाली जितेंद्र सिदावत के नेतृत्व में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल ओझा के निर्देशानुसार एक हस्ताक्षर अभियान मोदी के सम्मान में किया गया, जिसमें युवा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पाली 15 जनवरी ओमिक्रॉन व कोरोना की जागरूकता के लिए नगर परिषद पाली आयुक्त ब्रजेश राय के निर्देशानुसार पुरानी चुंगी नाका से शिवाजी सर्कल तक NULM जिला प्रबंधक देवेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में सफाई कर्मियों के साथ रैली निकाली, जिसमें सफाई इंस्पेक्टर जगाराम गुजराती, जामदार राजूराम, विक्रम नेमीचंद, मोतीलाल शिवलाल सफाई कर्मी उपस्थित रहे। रजलानी सरपंच पारस गुजर ने जरूरतमंदों को वितरित किए कंबल। क्षेत्र के रजलानी गांव में युवा सरपंच NSUI के राष्ट्रीय संयोजक पारस गुजर ने गरीब जरूरतमंदों लोगों को कंबल वितरित कर सराहनीय कार्य किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की जयंती पाली में गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वधान में राजीव गांधी स्मृति भवन कांग्रेस कार्यालय में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर मनाई। तत्पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जनों ने अपने जीवन स्मरण को याद किया। पूर्व सैनिक संगठन सोजत ने मनाया सेना दिवस। पूर्व सैनिकों का हुआ भव्य सम्मान। सोजत अब्दुल समद राही पूर्व सैनिक संगठन सोजत द्वारा सैन समाज की बगीचे में बड़े उत्साह पूर्व व गर्म जोशी से सेना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भामाशाह समाज सेवी अनूप सिंह लाकावत थे की अध्यक्षता के सुरेश ओझा ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में साजेट कैलाश चंद्र व्यास सैनिक संगठन के सचिव हवलदार अशोक सेन उपस्थित थे।